ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ तृप्त बायोलॉजी। आज हम कवर करेंगे टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट टू। ठीक है, हमने पार्ट वन देखा, बहुत डिटेल में देखा, अब हम पार्ट टू कवर करेंगे और आज इकोलॉजी को खत्म ही कर देंगे। ठीक है, बहुत हो गया इकोलॉजी का। तो देखो, पार्ट टू में हम क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस किसके, प्लांट के। कुछ प्लांट क्या होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस रखते हैं ताकि हर्बीवोर मतलब प्लांट खाने वाले उनको खा ना सके। ठीक है, हर्बीवोर बोले तो शुद्ध शाकाहारी, एक कार्निवोर मांसाहारी, शुद्ध शाकाहारी, मैं भी शुद्ध शाकाहारी हूँ। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल केमिकल डिफेंस लाते हैं अपने अंदर ताकि कोई खा ना सके। दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल, एक होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल बोले तो इंटरनल चेंज और मॉर्फोलॉजिकल बोले तो स्ट्रक्चर में चेंज। मान लो मैं प्लांट हूँ, ठीक है, मेरे आगे का स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, कांटे लाइक टिकोने, कांटे लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे तो कोई आके खाएगा क्या मेरे को, कोई खा ही नहीं सकता। तो ये क्या करते हैं, थोन डेवलप कर लेते हैं, जिसे अकेशिया में, कसकसा में, कसकटा और अकेशिया में क्या होता है, थोन डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको कोई खा नहीं सकता, कोई गोट कोई बकरी आके इसको खा नहीं सकती। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज हुआ, पहली बात तो क्वेश्चन आता है ये चेंज कौन सा हुआ, फिजियोलॉजिकल, क्या भाई अंदर स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है क्या, कि बाहर हुआ, बाहर हुआ ना भाई, तो ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज है। ठीक है, अब देख पूछते हैं स्केवेंजिंग क्या होता है। देख, एक तो प्रीडेटर थे जो मार के खाते थे, चपटा मारा शेर ने हिरण को और मार के खा गया। एक ही स्केवेंजिंग जो मरे हुए को खाते हैं, एग्जांपल हो जाए इसी बात पे, सीआईडी देखा था, कोई लाश पड़ जाती तो चारों तरफ कौवे, काऊ काऊ काऊ, चलो नहीं देखो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल तो कौवा का हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, चींटियों की बरात देखी, कहीं भी छोटा मोटा कीड़ा मर जाए तो सारी चींटियां टंग टक टक टंग ऐसे लेके, आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग मीम ऐसे, कुछ भी होता है टू 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 ऐसे लेके जाती चींटियां, तो स्केवेंजिंग बोले तो मरे हुए को खाने वाले। ठीक है, सीधी बात है, एग्जांपल देख ले, जेकलर वल्चर, जेकल वल्चर, आंट और क्रो, आंट बोले तो समझ में आएगी चींटी, क्रो बोले तो कौवा, सीएडी का एग्जांपल। ठीक, अब ये देखिए केलाट्रोपिस है, क्या है केलाट्रोपिस, ये क्या करता है, ये अबंडेंट फील्ड में ग्रो होता है, मतलब बेकार फील्ड। ठीक है, जहां पे मान लो मैं खेती करता था पर मैंने छोड़ दी, या कुछ बाड़े होते हैं जो पड़े रहते हैं, ठीक है, पर जैसे बारिश का टाइम आता है उसमें क्या होता है, ये केलाट्रोपिस ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं, प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस रिलीज करते हैं, बनाते हैं, कोई भी इन्हें खाता नहीं है। मान लो किसी ने एक बार इसको खा लिया और उसकी कार्डियक ग्लाइकोसाइडेस, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हार्ट रेट बढ़ा देता है, जब हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो आदमी मतलब आदमी तो नहीं, जो जानवर इसे खाएगा वो मरने पर आ जाएगा। ठीक है, आदमी तो नहीं खाते, केलाट्रोपिस जाके। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये भी क्या हुआ, डिफेंस हुआ। ठीक है, अब आ जाओ कंपटीशन पे, क्या होता है कंपटीशन, पहली बात तो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन के साइन क्या होता है, कंपटीशन का साइन होता है नेगेटिव नेगेटिव, मतलब दोनों को नुकसान, भाई कंपटीशन में कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है, दे दो लड़ रहे हैं अपने आप। अब देख क्या बात है, पुरानी डेफिनेशन या पुरानी बात बताऊं इसकी, तो ऐसा था कि दो डियर, ठीक है, दो डियर बोले तो हिरण, दो हिरण मतलब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, क्या है, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर एक रिसोर्सेस के लिए, मान लो यहाँ पे कुछ भी है, इन दोनों का खाने का फेवरेट, इस रिसोर्सेस के लिए लड़ रहे हैं जो कि लिमिट है, कैसा है, लिमिटिंग है, मतलब कुछ रिसोर्स है वो लिमिटिंग है और दो हिरण उसके लिए लड़ रहे हैं, तो यही हो गया उनका कॉम्पिटिशन, ये तो होगी पुरानी बात। ठीक है, अब देखो फिर मेरे को पता लगा यार, लिमिटिंग रिसोर्सेस ही जरूरी नहीं है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए अगर और भी तरीके हैं, कैसे कैसे कंपटीशन हो सकता है, देखो कि भैया ये ए स्पीसीज है, ये बी स्पीसीज है, एक ए स्पीसीज है, एक बी स्पीसीज है, ए जो है जल्दी जल्दी खाता है, जल्दी 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 खाता है, और बी जो है धीरे 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 खाता है। ठीक है, ए जल्दी 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 खा रहा है, बी धीरे 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 खा रहा है, तो मेरी बात सुनो, बी भूखा मर जाएगा, बी के पास तो कुछ खाने का ही नहीं रहेगा, तो ये तो कॉम्पिटिशन हो गया इन दोनों के बीच में, हुआ नहीं हुआ, तो ये इस तरह से भी कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या निकल के आई, कि भैया फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, मतलब फिटनेस को हम कैसे देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ आर, इंट्रिंसिक रेट के फैक्टर में हम देखेंगे, इस सिग्निफिकेंट लोअर आएगा यहाँ पे। ठीक है, स्लाइड वालों जिसको स्लाइड शेयर करिए वो लोअर लिख लेना, लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज, मतलब सीधी सी बात है, जो बड़ा है वो जीत गया, जो छोटा था वो हार गया। ठीक है, सुपीरियर एलिमिनेट्स इंफीरियर, सुपीरियर एलिमिनेट्स इंफीरियर, तो वैसे याद रखो, एस फॉर शुभम, एस फॉर सुपीरियर, बड़ा वाला, एलिमिनेट्स इंफीरियर, इंफीरियर बोले तो आर्ट्स एंड कॉमर्स। ठीक, एग्जाम्पल भी देख लो कि अबंडेंट टॉर्टोइस, मतलब कछुए हैं कुछ, और एक पहले आराम से जी रहे थे, कछुए की जिंदगी आराम से थी। ठीक है, ये आर्ट्स और कॉमर्स वाले कछुए हैं, ठीक है, ये आराम से जी रहे थे, अब मैंने वहां पे डाल दी गोट। ठीक है, गोट कैसे खाती है, घास कच 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 दर 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 दर, और ये कड़ाप कड़ाप। ठीक, तो अबैंडन टर्टल्स धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फीडिंग जो हैबिट है वो कितनी धीरे 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 है, और जबकि गोट पट 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 खा जाएगी, तो ये बेचारे धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाएंगे, बोले तो सुपीरियर एलिमिनेट्स इंफीरियर। ठीक,
अब आ जाओ मेरी फोन की स्क्रीन पे, वहां पे कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, इकोलॉजी खत्म करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, आ जाओ चलो आ जाओ फटाफट। ओके तो आप आ गए हो मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे, अपन चल रहे हैं ड्राइव में और ड्राइव में हम कंटिन्यू करेंगे इकोलॉजी। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिसने लेक्चर में देखने में प्रॉब्लम आ रहा था, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एसिड रेन के ऊपर बात करते हैं, तो एसिड रेन वो जिसका पीएच 5.6 से कम, ठीक है, 5.6 से कम पीएच है मतलब एसिडिक रेन है, ठीक है। और एसिड रेन होती क्या है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 एंड HNO3 7:3 के रेशियो में, ठीक है। और अगर 100 के भी आप पे पूछे तो 70:30, ठीक है, पर H2SO4 किंग ऑफ केमिकल ज़्यादा होता है। अब देखो टर्म में कॉम्पिटिटिव रिलीज तो क्या होता है, देखो दो स्पीसीज है, एक ए है एक बी है, और ए जो है वो इन्फीरियर है और बी जो है वो सुपीरियर है। मैंने बोला एस से सुपीरियर, एस से शुभम गुप्ता, एस से बड़ा वाला, ठीक है, और बड़ा वाला छोटे को ख़त्म करता है। पर किसी कारण से अगर बड़ा वाला ही हट जाए तो ए जो है अपना नंबर बढ़ाएगा, इसे बोलेंगे कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है। अगला प्रिंसिपल है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये क्या कहना चाहता है कि दो स्पीसीज है, ठीक है, दो सिमिलर स्पीसीज है, क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है। देखो मैंने क्लोज रिलेटेड के लिए एक बड़ा ए एक छोटा ए बनाया, ए तो ए ठीक है, पर एक बड़ा है एक छोटा है, क्लोज रिलेटेड है, और दोनों क्या करना चाह रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ को खाना चाह रहे हैं, मान लो बीन का खाना है, ठीक है, तो इन दोनों की बनेगी नहीं अब, ठीक है। दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज है और दोनों एक ही चीज़ खाना चाह रहे हैं और वो जो है लिमिटिंग है रिसोर्स, तो दोनों की बनेगी नहीं, तो क्या करेंगे, सुपीरियर्स एलिमिनेट्स इन्फीरियर। देखो मैंने लिखा है ए और ए की बनेगी नहीं, तो एस मतलब सुपीरियर एलिमिनेट इन्फीरियर, ठीक। अब मैंने बोला यार तुम एक काम करो, रिसोर्स पार्शनिंग कर लो, मतलब बांट लो या फिर टाइम चेंज कर लो अपना खाने का। पर क्या होता है उससे भी दिक्कत है, क्योंकि किसी की स्पीड तेज़ होती है किसी की स्लो, तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा इनका, ठीक है। तो रिसोर्स पार्शनिंग में क्या है कि टाइम चेंज कर लो आप, ठीक है, खाने का। अब तो कोई आर्ट्स वाला बना रखा है, ठीक है, मरा हुआ आर्ट्स वाला, मतलब मरा तो नहीं बेटा, जिंदा है, बाकी इसके सर में क्या है, जुए हैं, जुए को हम बोल रहे हैं पैरासाइट हेड लाउस, ठीक है। आर्ट्स वाला हूँ मैं, चंपू चंदन, हाँ बहुत बढ़िया लिखा है मैंने इसके लिए, चंपू चंदन जैसे ही दिख रहा है, इसके बालों में पैरासाइट है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने, पर एग्जाम्पल मेरे को देना चाहिए बफेलो का। तो सर आप आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले को बफेलो से कंपेयर कर रहे हो आजकल, नहीं 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 नहीं, बस मैं बता रहा हूँ, चलो मान लो बफेलो ही ले लो, ठीक है, चमन चंदन के तो ही सही माथे में पैरासाइट, ठीक है, पर मान लो बफेलो है कोई, और बफेलो के ऊपर पैरासाइट है छोटे छोटे जो कि बफेलो का ब्लड सक कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो सामने से आ गया शेर, तो बफेलो का ब्लड सक हो रहा है तो बफेलो के एक तो सर्वाइवल जो है वो कम हो जाएगा, बफेलो का ग्रोथ कम हो जाएगा, बफेलो की रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, बफेलो की जो है भागने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बफेलो के ऊपर पैरासाइट है तो वो रन नहीं कर पाएगा, बफेलो फिजिकली वीक हो जाएगा, क्योंकि कितने पैरासाइट होते हैं देखा है आपने कभी, देखा भी नहीं, पैरासाइट दिखते भी नहीं, इतने छोटे छोटे इतने हज़ारों पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं बफेलो के ऊपर। तो लायन क्या करेगा, जब वो फिजिकली वीक है बफेलो, तो आसानी से लायन क्या करेगा, उसको खा लेगा मार लेगा बिल्कुल, तो आसानी से भागा बफेलो तेरे आगे मेरे आगे तू तेरे पीछे मैं रन रन, देखो रन लिखा हुआ है, फिजिकली वीक कौन है बफेलो, लायन ने पकड़ा किल कर लिया, ठीक। तो इससे क्या साबित होता है कि पैरासाइट जो है क्या क्या करते हैं, सर्वाइवल रेट, ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ऑटोस्ट, ये सब कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी, ठीक है। अब देखो ब्रूट पैरासिटिज्म में क्या है, पैरासिटिक बर्ड जो होती है वो एग ले करती है होस्ट के नेस्ट में। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, पैरासिटिक कोई बर्ड है, ठीक है, वो अपने अंडे छोड़ती है होस्ट के, ठीक है, जैसे वो आर्ट्स कॉमर्स वाला कौन था, होस्ट, बफेलो क्या थी, होस्ट, वैसे पैरासिटिक बर्ड होस्ट में, होस्ट के नेस्ट में जो है एग जो है ले करते हैं, ठीक है। अब इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, ये ज़रूर पूछा जाता है, बहुत ध्यान से सुन लेना, एक बार सुन लो कि ज़िंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कि नेशनल पार्क, बायोस्पियर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्केयर्ड ग्रुप और हॉटस्पॉट, ये सब आते हैं इन सीटू में। नेशनल पार्क, बायोस्पियर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्केयर्ड ग्रुप और हॉटस्पॉट, ये सब कहीं आएंगे इन सीटू में, बाकी सारे एक्स सीटू। इन सीटू बोले तो जो जहाँ है उनको वहीं संभाल के रखो। नेशनल पार्क 90 होते हैं, बायोस्पियर 14 होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 होती है, ये मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, और हॉटस्पॉट जो है इनिशियली 29 और अभी के टाइम पे 34 है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये सब इन सीटू में आते हैं, कौन कितने क्या होते हैं ये ध्यान रखना। चलो अब ये देखो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, हालांकि क्योंकि मैंने बता दिया कैटेलाइटिक कन्वर्टर, Euro 1 2, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अच्छा BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बैक्टीरियल ऑक्सीजन डिमांड, जो रेन वाटर होता है ना, पानी जो आता है, बारिश हो रही है आजकल तो उसका 0 होता है, ये ध्यान रखना कभी पूछा तो। और ये बात ध्यान रखो कि डेजर्ट के जो प्लांट है, सर आप डेजर्ट में गए थे प्लांट देखने, नहीं नहीं, डेजर्ट के जो प्लांट है उसमें स्कोटोटैक्टिव स्टोमेटा होते हैं, मतलब जो रात को खुलते हैं दिन में बंद रहते हैं, सर क्यों,
क्यों 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 क्यों? क्योंकि अगर दिन में खुलेंगे तो सारा पानी सोख लेगा सूरज दादा, वैसे ही पानी की कमी रेगिस्तान में, समझ रहे हो ना बेटा? वेरी गुड। तो डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें प्रेजेंस होती है सोर्बिटोल और प्रोलिन की, ये बात ध्यान रखना, ठीक। और तो तुम्हें कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और ये टर्शरी ट्रीटमेंट, ये तुम्हें उसमें भी मिलेगा माइक्रोब्स में। बाकी यहाँ ध्यान रख लो कि बस दो पॉइंट ध्यान रखो। प्राइमरी ट्रीटमेंट में तुम्हें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में यूज़ ऑफ एरेशन टैंक, ठीक है, और यूज़ ऑफ एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है, और बायोगैस जो होती है उसमें मीथेन, CO2 और H2S रिलीज होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये दो प्रोसेस होती है, सिर्फ नाम आएगा देखो कि ये किस में होता है, ये किस में होता है, बायोगैस में कौन कौन सी गैसें होती है, ये पूछते हैं बस, ठीक है। और टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, रिमूवल पैथोजन, हमें क्या करना है, पैथोजन को रिमूव करना है, तो हम ओजोन की मदद से पैथोजन को किल करते हैं या UV rays की मदद से उस पर डाल के पैथोजन को किल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जोधपुर में 1731 मतलब 1731 में अमृता देवी वैष्णो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ हुआ था, पहले एम्स में पूछते थे इसको, ठीक है। अभी जो भी मैंने बोला उसकी थ्योरी आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और क्या रह गया, हाँ एक दो बातें जो मेरे को बताना ज़रूरी है वो रह गई। जैसे इकोलॉजी के पापा कौन है भैया? द टर्म तो दी थी हैकल ने, ठीक है, और ऐसे अगर हम माने तो राइटर है, और इंडियन का हम अगर हम माने तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा है। तो टर्म दी थी हैकल ने, फादर ऑफ इकोलॉजी, राइटर है, राइटर मतलब राइट कर दी बेटे बेटे, ठीक है, और इंडियन के कौन है? रामदेव मिश्रा, ठीक। और दूसरी बात, एक बात मेरे से किसी ने नहीं पूछी कि सर अगर लायन के पास 10% लो के अकॉर्डिंग सबसे कम एनर्जी जा रही है तो लायन स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे है? 10% लो के अकॉर्डिंग लिनमैन का जो 10% लो है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम एनर्जी जा रही है, तो फिर लायन स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे है, कोई बताएगा? हाँ तो चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि बेटा फूड वेब का नाम सुना, उसी फूड वेब की वजह से लायन जो है मोर स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। अगर ऐसे हम इकोलॉजिकल वो चेन देखें तो उसके हिसाब से तो बहुत वीकर है वो, ठीक है, फूड चेन जो देखें हम उसके हिसाब से तो बहुत वीकर है, पर फूड वेब भी तो है, ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही, समझ रहे हो? तो ऐसा है हमारा लायन, और लायन इज ऑलवेज टॉप कंज्यूमर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका इकोलॉजी खत्म, मुबारक हो। अगर कुछ छूट जाए तो कमेंट सेक्शन बहुत लंबा चौड़ा है, कमेंट कर देना, अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, वैसे कुछ नहीं छूटा है, ठीक है, जो क्वेश्चन आते थे सारे बता दिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।